हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज के वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये हमारा वीडियो पहला गीता ज्ञान पर वीडियो है। तो बस इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी आ गया होगा तो उसे भी प्रेस कर दें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। सो गाइस, हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार थक हार कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा वगैरह करते हैं, पर फिर भी भगवान हमारी मदद बिल्कुल नहीं करते। तो दोस्तों, यह बिल्कुल ही कहना गलत होगा। सो इसका भी आंसर गीता में दिया गया है, तो बस उसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। उसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक दोस्तों स्टोरी सुनाना चाहूँगा। वो स्टोरी शायद आपने सुनी भी हो सकती है और ना भी सुनी हो सकती है। वो स्टोरी है दोस्तों प्रहलाद भगत की, जो कि विष्णु भगवान जी के भगत थे, और उनके पिताजी का नाम था हरनाकश, जो कि दोस्तों हरनाकश था। उन्हें वरदान मिला था कि वो ना ही धरती पर मरेंगे, ना ही आसमान पर, वो ना ही दिन में मरेंगे, ना ही रात को, वो ना ही किसी हथियार से मरेंगे, ना ही किसी बीमारी से, वे ना ही किसी इंसान से मरेंगे और ना ही किसी जानवर से, और ना ही उन्हें कोई देवता मार पाएगा। सो गाइस, इन वरदान के कारण वो अपने आप में अहंकार में आ गए थे और कहने लगे थे कि अब वो अमर है, और अपनी ही सारी तरफ पूजा कराने में लग गए थे। वो कहते थे कि भगवान के नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो है मैं ही हूँ, अब सब लोग मेरी ही पूजा करेंगे। पर उनके जो बेटे थे प्रहलाद भगत, वो कि विष्णु भगवान थे, भगत थे, और उनकी पूजा करते थे। और जब वह उनकी पूजा करते थे तो हरनाकश बहुत गुस्से में आते थे, क्योंकि अगर वह ही उनका बेटा ही उनकी पूजा नहीं करेगा तो बाकी दोस्त जो बाकी लोग हैं, प्रजा है उनकी, वो भी उनकी पूजा नहीं करेगी। सो गाइस, इस कारण वो उनके उनको मारने में लगे हुए थे कि किसी तरह वह प्रहलाद भगत को मार पाए। इसके लिए वह उनको पागल हाथियों के बीच में रख देते थे ताकि हाथी उनको कुचल कर मार डाले, और उनको पहाड़ी के नीचे फेंक देते थे ताकि वो मर जाएं और उनका काम किसी तरह बन जाए। पर वो विष्णु भगवान के भगत थे, विष्णु भगवान ने उनके तन मन में विष्णु भगवान ही थे, उनके अलावा प्रहलाद भगत के मन में और कुछ आता ही नहीं था। तो दोस्तों, विष्णु भगवान उनकी हर तरफ से मदद करते थे और उनको हर तरफ बचा लेते थे। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हरनाकश ने प्रहलाद भगत को अपने भवन में, अपने महल में बुलाया और एक लोहे का खंभे को बहुत ही गर्म करवा दिया उनके नीचे से आग डालकर। और जब वह बहुत गर्म हो गया तो हरनाकश ने अपने बेटे से कहा, प्रहलाद भगत से कहा, कि तुम विष्णु भगवान को मानते हो। प्रहलाद भगत ने निसंदेह कहा, जी हाँ, मैं विष्णु भगवान को मानता हूँ। हरनाकश ने फिर से उनसे कहा कि अगर तुम उसे मानते हो तो वो तुम्हारे हर गर्द हर एक जगह में है। तो प्रहलाद भगत ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे भीतर भी हैं, आपके भीतर ही हैं, और दुनिया के हर एक कण कण के भीतर विष्णु भगवान समाये हुए हैं। तो हरनाकश ने कहा, अगर वो कण कण में है तो इस लोहे के खंभे में भी हैं। तो प्रहलाद भगत ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, जी हाँ, वो इस खंभे में भी है। तो हरनाकश ने उसी वक्त कहा, अगर इस गर्म खंभे में है तो तुम इस खंभे को अपने गले से लगा लो। तो प्रहलाद भगत ने निसंदेह होकर देखा कि इस खंभे पर एक चींटी जा चल रही है, और वो समझ गए कि इस खंभे से के भीतर भी विष्णु भगवान जी समाये हुए हैं। और उसने भी निसंदेह गर्म खंभे को अपने गले से लगा लिया, और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर यह देखकर नाकश को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपना तलवार निकाली और सीधा प्रहलाद भगत पर दे मारी। प्रहलाद भगत को कुछ नहीं हुआ और तलवार सीधा खंभे में जाकर लगी, खंभा टूट गया और खंभे के बीच में से विष्णु भगवान का अवतार नरसिंह जी आए। नरसिंह ना ही इंसान थे और ना ही शेर थे, वो आधे इंसान और आधे शेर थे। उनके नाखून बहुत बड़े थे और उन्होंने उसी समय हरनाकश को उठाया और अपनी जांघ पर बैठा दिया और उन अपने नाखून से उसका पेट काट डाला और उनकी मृत्यु कर दी। उस समय ना ही दिन था और ना ही रात थी, शाम का समय था। वह हरनाकश ना ही उनके जमीन में थे और ना ही आसमान में थे, वह भगवान जी की झांकों पर थे। और भगवान जी ने ना ही उनको हथियार से मारा और ना ही किसी बीमारी से, उन्होंने उनको अपने नाखून से मारा। तो दोस्तों, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इसकी व्याख्या भी दी गई है गीता में, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। वो भगवान जी कहते हैं, जो भक्तजन अन्यथा भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी पूजा करते हैं, ऐसे साधकों के योग क्षेम में स्वयं मैं अपनी उनकी मदद करता हूँ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है
जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में उसको कोई अन्य चीज नहीं दिखाई देती, वही भक्ति है। भगवान कह रहे हैं कि भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य किसी भावना को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरी ही पूजा करता है। ऐसा निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अर्थात भक्त ने जो साधना आज तक की है वह संस्कार रूप में चित्त में जाकर समा जाती है और इकट्ठी होती जाती है, फिर जिसका नाश नहीं होता क्योंकि परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। और वह साधना साधक को अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सो गाइस, अब आपको शायद ये वीडियो समझ आ गया होगा, और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हम आपको रोज़ ऐसी ही वीडियोस देते रहेंगे। तो गाइस, मैं मिलूंगा आपको ऐसी अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।